जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। कौन तपस्या गौरा ने कीनी, जिनको जगह बाबा हृदय में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। हैप्पी शिवरात्रि। कैसे हैं आप लोग? शिवरात्रि का ये पावन पर्व, ये महापर्व, ये महारात्रि, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपसे सिर्फ जनरल बातें करूंगी। शिवरात्रि पर करना क्या चाहिए? मन में ऐसे भाव आते हैं ना, आप किसी भी दुख से पीड़ित हो या आपसे दुख से ना भी पीड़ित हो, सिर्फ अपने परिवार की सुख शांति के लिए भी आप इन उपायों को करिए। महाशिवरात्रि पर महायोग में करने हैं आपको ये कुछ खास उपाय। जर्नल, बिल्कुल एकदम ऐसे उपाय जिसमें कोई बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगी, बड़े बड़े आपको खर्चे मैं नहीं बताऊंगी। सिंपल, बरगद या अशोक के पेड़ की पूजा कीजिए, प्लस इन पेड़ों को मंदिर में दान भी कीजिए। कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगाइए अगर आप लगा सकते हैं तो। शिव पुराण मंदिर में दान करिए। शिव पुराण का पाठ इसी दिन से करना शुरू कीजिए, लगातार करिए, एक दो दो पेज पढ़िए। जब संपूर्ण हो जाए तो खीर का दान कीजिए। अगर इसी दिन पूरा शिव पुराण का पाठ भी आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। शिव मंदिर में गौरा और शिव के वस्त्र या शिव परिवार के वस्त्र दान जरूर कीजिए। गंगा जल से नहाइए, गंगा जल शिवलिंग पर अर्पण जरूर कीजिए। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पण जरूर कीजिए। रुद्राभिषेक कीजिए, चाहे आप पत्थर के शिवलिंग का कीजिए, चाहे आप जिसे कहते हैं मिट्टी के शिवलिंग का कीजिए, और चाहे तो आप पारे के शिवलिंग का कीजिए, लेकिन रुद्राभिषेक जरूर कीजिए। पंचअमृत से प्रभु को स्नान करवाइए, पंचमेवा अर्पण कीजिए। कार्तिकेय जी जो हैं उन्हें मोर पंख अर्पण कीजिए, और गणपति को मालपोहे का भोग लगाइए। माँ गौरा को सिंदूर और श्रृंगार का सारा सामान अर्पण कीजिए, चुन्नी अर्पण कीजिए। माँ गौरा और शिव जी जी का गठबंधन जरूर कीजिए। इस दिन व्रत जरूर रखिए। शाम को एकदम स्वाद, एकदम सात्विक, एकदम सीधा साधा खाना कीजिए, खाइए, जैसे पूरी और आलू की सब्जी खा सकते हैं, और इसे सेंधा नमक में खाएं। एक समय का भोजन करें, दिन में आप फल खाते रहें। किसी व्रती का अगर व्रत रखा हुआ है तो उसका व्रत संपूर्ण करवाइए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। किसी शिव मंदिर में दर्शन कर आइए। शिवलिंग पर बेल पत्र, बेल, भांग, धतूरा अर्पण जरूर कीजिए। ब्राह्मण को वस्त्र दीजिए, बीन डमरू अगर आप शिवलिंग पर अर्पण करें तो बहुत अच्छा, एक त्रिशूल अर्पण करें तो बहुत अच्छा, चांदी के नाग नागिन अर्पण करें, खासकर वो लोग जिनको काल सर्प दोष है। कोई बात नहीं, है भी तो उसे घबराइए मत, क्योंकि ये दोष नहीं, ये योग है, आपके लिए फायदेमंद है। ये सब चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। सफेद रंग का एक झंडा मंदिर में जरूर लगाइए। इसके साथ साथ भंडारा करिए। अगर कहीं शिव परिवार का भंडारा हो रहा है तो वहां पर पत्तल उठाकर कूड़े में फेंकिए और साफ सफाई में मदद कीजिए। बाहर बैठे हुए किसी बच्चे को दूध पिलाइए, पूरा दूध शिवलिंग पर अर्पण करके उसे बर्बाद मत कीजिए, ऐसा लोग कहते हैं। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से आप एक्चुअली शंकर भगवान की मदद करते हैं, क्योंकि उनके कंठ में बहुत ज्यादा विष है। जब कच्चा कच्चा दूध उन पर अर्पण होता है तो उस तकलीफ से उन्हें निजात मिलती है, लेकिन आज की जनरेशन ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो शिवलिंग पे आप दूध जितना अर्पण करना चाहते हैं करें, लेकिन इसके साथ साथ आधा दूध अर्पण कर दें, आधा किसी गरीब के बच्चे को दे दें तो अच्छा होगा। माँ गौरा का आशीर्वाद लीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, खुश रहिए, और 11 गोमती चक्र भगवान के ऊपर अर्पण करिए। अगर आप किसी भी बाधा से, बीमारी से, कर्जे से, तकलीफ से, लड़ाई से, कलेश से, झगड़े से, किसी भी चीज से अगर आप परेशान गुजर रहे हैं तो इन उपायों को जरूर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर केवल मन से, तन से आप ओम नमः शिवाय बोल दीजिएगा। आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपको इस वक्त मेरे YouTube चैनल पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, तीन नंबरों के सिवा किसी नंबर पर कॉल ना करें, पहली बात। लेकिन कॉल करने का दोस्तों एक समय होता है। आप लोग रात को 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, किसी भी टाइम कॉल करते हैं, एक ऑफिस टाइम होता है। अगर आपको इन तीन नंबरों पर कॉल करना है तो आप इन तीन नंबरों पर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कॉल करें। प्लीज़ 9 बजे के बाद कॉल ना करें, और इस कार्यक्रम के बाद इस YouTube चैनल पर आपकी मेरी बात बिना अपॉइंटमेंट, मेरी बिना फीस दिए नहीं हो सकती। क्योंकि आप लोग कॉल कर सिर्फ इतना बोलते हैं कि राखी जी से बात करनी है, दूसरी तरफ से बंदा आपसे कहता है कि अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फिर आप कहते हैं चाहिए तो हमें पता ही नहीं था। तो प्लीज़ आप समझिए, बिना अपॉइंटमेंट के आपकी मेरी बात नहीं होगी। प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेकर बात कीजिए। मैं राखी आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे ये तीन नंबर हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जिसपे अलग अलग नंबर हैं, आप लोगों के साथ किसी तरह का धोखा ना हो इसलिए मैं आपको नंबर बता रही हूँ। 9810709958 ये एक नंबर है। 9643470512 ये एक नंबर है। 9811046
7398 ये एक नंबर है। अगर इन तीनों नंबरों के सिवा आपके पास किसी और नंबर से कॉल आता है, किसी लैंडलाइन से कॉल आता है, तो वो एटलीस्ट मेरे नंबर नहीं है। तो प्लीज़ आप किसी गलत हाथ में ना जाएं, अपने पैसे बर्बाद ना करें, किसी झूठी राखी से अपॉइंटमेंट ना लें, सोच समझ कर विवेक से आप इन्हीं नंबरों पर बात करें और अपॉइंटमेंट लें, तो प्लीज़ डू अ वीडियो कॉल।